किसी को कोई भी चीज की आवश्यकता पड़ी, चाहे थाने में जाना हो, चाहे बड़े अधिकारी के पास जाना हो, चाहे डीएम के पास जाना हो, इन्होंने बड़ी उन लोग की मदद करी, उनके साथ गए और इसीलिए पूरी जनता उनको बहुत चाहती थी। मृत्यु हर एक के जीवन में आती है, उनके जीवन में भी आई और वो इस दुनिया से चले, लेकिन हम लोग को एक बहुत अच्छी शिक्षा देकर गए हैं कि हम लोगों को किस प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता है। कोई आपको कुछ नहीं बना पाएगा जब तक कि आप स्वयं अपने जीवन में ये दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है। और इसीलिए बच्चों, आप लोगों से मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग बहुत ही परिश्रम करें, अपना कैरियर बनाएं और आने वाले दिनों में ऐसे ही एक नेता के रूप में आप लोग उभर के आए, ये हमारी आप लोगों से गुजारिश है। और हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपना हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का दिन हम सबों को एक ऐसे व्यक्ति के लिए और उसकी यादगारी में यहाँ पर एकत्रित होने का मौका दिया। ये परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति हम लोग के बीच से चला गया, लेकिन प्रभु जी जो यादें वो हमारे लिए छोड़ गए और उसके लिए प्रभु जी हम सब एक दृढ़ संकल्प करने के लिए बाध्य है कि हम भी उनके जैसा एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके परिवार के साथ हो, दुखी जनों के साथ हो, उनके परिवार में कोई भी प्रकार की कमी घटी हो, परमेश्वर आपके पवित्र नाम से पूरी की जाए। उनका पूरा परिवार सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने पाए और आप में आधारित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए, ऐसी प्रार्थना है। आप उनकी आत्मा को शांति दें। धन्यवाद उस स्तुति के साथ ये प्रार्थना विधि अपने पवित्र प्रभु के नाम से मांगते और स्वीकार कीजिए। आमीन। इसी के साथ मैं से आग्रह करूंगा कि उनकी याद में हम लोग एक मिनट का मौन रखेंगे और बिल्कुल साइलेंट होकर के हम लोग खड़े होते उनको याद करेंगे। कार्य तो उन्होंने समाज के हित में किए, हमारे विद्यालय के लिए भी खास तौर से उन्होंने बहुत चीजें दी, उनको भी हम धन्यवाद देंगे याद करके उनको। और एक मिनट के लिए हम मौन रखेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। सभी बच्चे बैठ सकते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम को, कुछ कहना चाहते हैं तो मौका है। इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा अगर टीचर्स को भी कुछ कहना है या कोई भी समय लेना चाहता है तो आप जरूर से अपनी बात करें। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि पाटी जी पिछले वर्ष ही हम सब कुछ छोड़कर दुनिया से चले गए, लेकिन अपने कार्यकाल के समय में उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत की है।
सलोनी को आगे बढ़ाने में और अपने कार्य को बड़ी वफादारी के साथ उन्होंने निभाया, ये सब आप सबको मालूम है। और उनके रहते हुए बड़ा ही एक जागृति सी दिखाई देती थी समाज के अंदर, और सारे काम बड़े ही सुचारू रूप से चल रहे थे। और बिल्कुल सोचा ही नहीं गया था कि कभी सोच नहीं सकते थे कि वो ऑल ऑफ सडन हमारे बीच से संसार से चले जाएंगे। और बहुत ही दुख हुआ सबको, हम लोग आज तक उनको स्मरण करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और अब ये चाहते हैं कि जो कार्यभार उनके बेटे ने संभाला है उसे वो अच्छी तरह से निभा सकें और मेहनत के साथ अपने कार्य को वफादारी के साथ निभाते रहें, ताकि अपने पिता का नाम रोशन कर सकें और उनकी याद को हमेशा एकदम तत्पर और जागृत किए रहें समाज के अंदर। और जिस तरह से उनके पिताजी ने अपने काम को बड़ी वफादारी से निभाया, हम चाहते हैं उनके बेटे भी इस काम को बड़ी वफादारी के साथ, बड़े लगन के साथ, तत्परता के साथ और समाज की सेवा में अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, ताकि भारत के कोने कोने में ये पहुँच सके कि हाँ, यहाँ एक ऐसा नौजवान है जो सुनौली की देखभाल बड़े ही समझदारी से कर रहा है। पूरे उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में अपने इस बच्चे का नाम रोशन हो सके कि किस तरीके से उसने सुनौली में रह करके सुनौली के सामाजिक हर कार्य को आगे बढ़ाया। हमारा ये विश्वास है और ये आशा भी है कि आने वाले दिनों में श्री सुधीर त्रिपाठी जी के बेटे बहुत ही लगन और सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे। हमारा आशीर्वाद भी उनके साथ है। बहुत धन्यवाद मैम, और इस सच में बहुत ही बिल्कुल सत्य बात है। पिछले कुछ वर्षों में हमने इस बात को देखा, एक वर्ष लगभग होने को है, हमने देखा कि हमारे जो चेयरमैन प्रतिनिधि अभी हैं श्री शिवम त्रिपाठी बाबू, बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चारों तरफ उनके कामों की गूंज भी हो रही है। अक्सर मैं सुबह जब उठता हूँ, अपना फोन उठाता हूँ, देखता हूँ कि सुबह सुबह ही वो जनसंपर्क के लिए निकले हुए होते हैं और बहुत तमाम जगहों पे उनकी चर्चा चल रही होती है। ये बात बिल्कुल सच है, बेहतर चिल्ड्रन स्कूल का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहेगा। आने वाले समय में भी जब उनका कार्यकाल आता है तो हमारा पूरा सहयोग उनके प्रति होगा। यदि ये समय कोई और लेना चाहता है, कोई टीचर कुछ कहना चाहता है, आपके लिए समय जरूर से आदरणीय चेयरमैन साहब को हम लोग बहुत मिस करते हैं, नेताजी को हम उनको हमेशा मिस करते ही रहेंगे। आज जो है सभी लोग उनकी याद में जो है बहुत मौन कर रहे हैं कि हमारे सभी टीचर्स रहे, हमारे सारे बच्चे रहे स्कूल के, हमारे प्रिंसिपल साहब भी रहे। और जो है कि आज जो हमारे जो प्रतिनिधि शिवम त्रिपाठी जी हैं वो अपने पापा का हर काम पूरा करें जो अधूरा है, और कर भी रहे हैं और करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जबकि अपने चेयरमैन साहब श्री सुधीर त्रिपाठी जी को याद में याद याद करते हैं, हम लोग एकत्रित होकर कुछ उनके किए हुए चंद कामों का वर्णन करना चाहूँगा और उनके तमाम उन बातों को मैं जब स्मरण करता हूँ तो दिल में बड़ा आनंद सा अनुभव होता है। सुनौली को नगर पंचायत का दर्जा श्री सुधीर त्रिपाठी जी के समय काल में प्राप्त हुआ, और साथ ही यदि हम देखें तो सुनौली की तमाम जनता के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि सड़कों का मेंटेनेंस, साथ ही साथ तमाम गांव में ड्रेनेज सिस्टम का बनाया जाना, और साथ ही हम देखते हैं उन्होंने खेल जगत के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन एक स्टेडियम जो है सुनौली को दिया। हमारे सुनौली का पहला खेल स्टेडियम जो है चेयरमैन साहब ने प्रदान किया। साथ ही यदि हम स्मरण करें तो हमारे बेहतर चिल्ड्रन स्कूल के लिए भी हमेशा वो उपलब्ध रहे, किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे स्कूल में किए गए तमाम खेल आयोजन में भी और तमाम खेल प्रतिस्पर्धाओं में चेयरमैन साहब हमेशा उपस्थित रहे और उन्होंने
बहुत सारे बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इन सभी बातों को जब मैं स्मरण करता हूं तो मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है कि चेयरमैन साहब एक बहुत ही बेहतरीन अगवा, बहुत ही कुशल अगवा के रूप में हम सबको दिखाई पड़ते हैं। और जैसा कि हमारे छोटे भाई डैनियल साहब ने भी कहा कि उनके बेटे ने भी ये सारे गुण आज हम देख सकते हैं और बड़ा ही सत्य है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सुनौली के लिए वो इस वक्त कार्यरत हैं और बहुत सारे अच्छे बड़े कामों में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहे हैं। पिछले साल जब मैं सोकर उठा और मुझे न्यूज मिली फोन के माध्यम से, मैंने जब न्यूज पढ़ी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ सबसे पहले तो, और मैंने 5-6 जगह फोन करके तुरंत कंफर्म किया कि क्या ये बात सही में, कि क्या ये बात झूठ है या सच है। मैं एकदम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आज ही के दिन 9 तारीख को पिछले साल सितंबर में हमारे माननीय पूर्व चेयरमैन साहब का निधन हो गया। आज भी सुबह जब फारूक सर अंदर आए ऑफिस में, उनकी तस्वीर रखी थी, तब भी मैंने उनसे कहा कि आज भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये हमारे बीच से चले गए। चाहे हमारे स्कूल के छोटे प्रोग्राम्स रहे हों, चाहे बड़े प्रोग्राम्स रहे हों, ओलंपियाड रहा हो, लाइन लाइट रहा हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें उनका योगदान ना रहा हो। बच्चों की बढ़ोतरी के लिए उनके पढ़ाई से संबंधित जितनी चीज़ें थी सब में सुनील त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं हमेशा ईश्वर से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। ठीक है बच्चों, आज हम लोग समाप्त करेंगे यहीं पे, और आप सभी से गुजारिश रहेगी कि बच्चों